राजा का जो ऑपोजिट होता है ना वो मैं कर रहा हूँ। तो एक ऐसा इंसान है जो बहुत रिच है लेकिन बहुत ही शातिर इंसान है, वो उसको ठगना बड़ा मुश्किल है, और एक नया पैसा भी अगर किसी ने ठगा तो समझ लीजिएगा क्या होगा, है ना, वो उसका खून कर देगा। इस प्रकार का इंसान है। पहली बार मैं इमरान हाशमी फिल्म कर रहा हूँ, तो मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि सेंसिबिलिटीज़ बड़े सही हैं, कहीं भी ऐसी मतलब फ्रिवलस बातें नहीं हैं, बहुत ओछी चीज़ें नहीं हैं, और एक कहानी के साथ जुड़कर इन्होंने फिल्म बनाई। नटवरलाल ऑब्वियसली हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, है ना, तो वो हमारा संबंध है नटवरलाल से। अब ये मौका मिल रहा है कि ऐसी कोई फिल्म हम कर रहे हैं जहाँ पे बचपन में हमने कुछ देखा था और अब उसका एक अलग रूप हमको देखने को मिल रहा है, तो इसमें मज़ा आ रहा है। एंड आई थिंक ऐसी फिल्में मैं करता रहूँगा। जहाँ तक मेरा किरदार का सवाल है, जी हाँ, ऐसे किरदार आपको पहले भी देखने को मिले होंगे, लेकिन हमने कोशिश की कि उसको एक इंसान के रूप में पेश किया जाए, ना कि कटआउट विलन जो उसको बोलते हैं, वैसा नहीं है। तो इसमें भरपूर ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान से जुड़ी हुई चीज़ें, उसको हमने कोशिश की है पेश करने की। देखिए, परेश जी इस फिल्म में नटवरलाल के गुरु हैं, आप जानते हैं, इस देश के सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर्स हमारे देश के। उन्होंने बहुत ही एक ह्यूमरस लेवल पे उसको एट द सेम टाइम संजीदगी भी है अच्छे से निभाया है। इमरान जो है बहुत ही कूल आदमी, टेंशन नहीं लेता, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वो काम करता है। तो ऐसे ही नहीं बना है वो इमरान हाशमी, इसमें इसके पीछे बहुत सारा मेहनत और बहुत सारी सिंसियरिटी की ज़रूरत पड़ती है।